हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर बीटरूट का हलवा बनाने जा रहे हैं जो कि बहुत ही हेल्दी है और बहुत ही टेस्टी होता है। तो आप इसे एक बार ज़रूर बना करके देखिएगा और ये बच्चों के लिए भी बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। इसमें भरपूर मात्रा में आयरन है जो हमारे हीमोग्लोबिन को बढ़ाता है और ये टेस्टी भी बहुत होता है। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने जो दो बीटरूट को लेकर के इस तरीके से कद्दूकस कर लिया है, जिसे हम चुकंदर भी कहते हैं। साथ ही मैंने यहाँ पर शक्कर और थोड़े से ड्राई फ्रूट लिए हैं, तो ड्राई फ्रूट में आप जो चाहें वो ले सकते हैं। तो ये देखिए, इस तरीके से मैंने इसे कद्दूकस कर लिया है। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैंने पैन ले लिया है और पैन में मैं घी ले लेती हूँ। आप चाहें तो इसे तेल में भी बना सकते हैं, बट आप इसे घी में बनाइए। कोई भी हलवा घी में बहुत ज़्यादा स्वाद होता है। और उसके बाद जो भी हमारे ड्राई फ्रूट हैं वो आप उसे फ्राई कर लीजिए। मैंने और किशमिश वगैरह भी लिया है, बट मैं यहाँ पर सिर्फ काजू को ही यहाँ पर फ्राई कर रही हूँ। उसके बाद जो कद्दूकस किया हुआ हमारा बीटरूट था, जो हमारा चुकंदर था, उसे अब हम यहाँ पर घी में डालकर अच्छे तरीके से भून लेते हैं। भूनने के बाद इसका कलर और भी ज़्यादा इन्हांस हो जाता है, तो वो आप देखेंगे इसके बाद। तो आप इसे भून लीजिए धीमी आंच पर, थोड़ा सा इसका कलर चेंज होने तक। ये देखिए, थोड़ा सा रिड्यूस हो गया है और इसका हल्का सा कलर भी चेंज हुआ है। तो अब हम इसे थोड़ा सा कवर करके पका लेते हैं। देखिए, इसका जो पानी है लगभग वो सूख चुका है। तो अब हमें इसमें ऐड करना है हमारा मिल्क। तो मैं यहाँ पर फुल क्रीम मिल्क ले रही हूँ। तो आप इसमें दूध डाल दीजिए और आप दूध डालकर उसमें उसे पका लीजिए। तो यहाँ पर हमें पानी का यूज़ नहीं करना है, हमें दूध ही इसमें डालना है। तो आपकी जितनी इच्छा है आप उतना दूध डालिए जिसमें वो पक जाए। तो मैंने यहाँ पर एक कप के लगभग इसमें दूध डाला है और अब हम इसे पकाएंगे कवर करके। ये देखिए फ्रेंड्स, थोड़ी देर हो चुकी है और हमारा जो मिल्क है वो पूरा इसमें अब्सॉर्ब हो चुका है और ये बिल्कुल ही ड्राई हो गया है। तो बस हमें ऐसा ही चाहिए। अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारी शुगर। तो शुगर मैं इसमें आधा कटोरी के लगभग इसमें ऐड कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें शुगर ऐड कर सकते हैं। और शुगर डालते ही थोड़ा सा लिक्विड ही फॉर्म हो जाता है, इसलिए आपको लास्ट में इसे डालना है। तो बस अब ये शुगर को हम पका लेते हैं इसमें, क्योंकि ये थोड़ा सा लिक्विड कंसिस्टेंसी में आ गया है। तो हम इसे थोड़ा सा ड्राई, क्योंकि ये हलवा हम थोड़ा सूखा सूखा सा बनाते हैं, ड्राई सा। तो बस अब हम इसे पका लेते हैं फटाफट से। और इसमें जो भी आपके ड्राई फ्रूट्स हैं आप वो डाल दीजिए। जैसे किशमिश हम थोड़ा पहले डालते हैं, तो मैं इसमें थोड़ा पहले डाल रही हूँ। और जैसे ही ये इसका जो पानी है वो सूख जाए, थोड़ा सा ये ड्राई हो जाए, तो बस हमारा हलवा तैयार है। ये देखिए, इसका कलर भी बहुत ही अच्छा आ गया है। तो बस हमें ऐसा ही ड्राई सा चाहिए। अब आप अपने जो ड्राई फ्रूट्स आपने रोस्ट करके रखे थे आप वो डाल दीजिए। तो बस ये आपका रेडी है, आप इसे सर्व कीजिए और इसका मज़ा लीजिए। ये बहुत ही टेस्टी होता है और बहुत ही हेल्दी है। तो जो इसके फ़ायदे हैं उसका लाभ उठाइए और इसका हलवा बना करके ज़रूर खाइए। थैंक यू।